आप लोग में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका हमेशा से सपना होगा कि यार मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, लेकिन कैसे? घर वालों से पूछो तो वो लोगों को खुद कभी ये लाइन में काम ही नहीं किए, तो वो आपको क्या बताएंगे? और शायद हो सकता है कि वो आपको डीमोटिवेट कर दे। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग एस्पिरेंट पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लाया हूँ, जैसे कि CDS क्या है, इस एग्ज़ाम के लिए कौन अपियर कर सकता है, सर मैं एक लड़की हूँ तो क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपियर कर सकती हूँ, और सबसे कॉमन सर्च किया हुआ क्वेश्चन, क्या साइंस फील्ड वाले ही CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो या कोई अपडेट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CDS क्या है। CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये एग्ज़ाम UPSC द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। CDS एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसे सेनाओं में से किसी एक में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। हर साल इस एग्ज़ाम में 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाते हैं। इस एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट और SSB इंटरव्यू के बेसिस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। तो CDS एग्ज़ाम क्या है ये तो आप लोग सभी समझ ही लिए होंगे। अब बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, यानी कि CDS एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेशनलिटी क्राइटेरिया। CDS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भारत, नेपाल या फिर भूटान के नागरिक होने चाहिए। CDS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले आप लोगों को उसके एज लिमिट स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपकी एज 19 से लेकर 24 की एज तक होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 से लेकर 24 की एज तक, और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी आपकी एज 19 से लेकर 24 के बीच में होनी चाहिए, पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपकी एज 19 से लेकर 25 की एज तक होनी चाहिए। अगर एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री प्लस कंपलसरी मैथ्स एंड फिजिक्स 12th में होने ही चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैरिटियल स्टेटस की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमैरिड, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी अनमैरिड, इंडियन एयरफोर्स के लिए मैरिड और अनमैरिड दोनों भी एलिजिबल है। पर हाँ, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए फॉर मेंस मैरिड एंड अनमैरिड दोनों भी एलिजिबल है, फॉर वुमेन्स अनमैरिड और इशूलेस डिवोर्स और इशूलेस विडो। अगर आप इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आप इन चारों में से किसी भी एक को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल एकेडमी गोवा, एयरफोर्स एकेडमी बेगमपुर, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और बिहार में गया। तो चलिए रिटन टेस्ट के बारे में कुछ और जानते हैं। CDS एग्ज़ाम का रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस आते हैं। आपको हर पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और हर पेपर के लिए 100 मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करता है तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने मिलेगा। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको SSB का कॉल लेटर आता है, जिसमें बताए गए सेंटर पे जाकर आपको 5 दिन का SSB इंटरव्यू देना होता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट क्राइटेरिया के बारे में, जो है फिजिकल टेस्ट। CDS रिटन एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको 5 दिन का SSB इंटरव्यू देना होता है, जिसमें अगर आपको रिकमेंडेशन मिल जाता है तो आपको फाइनल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जो है फिजिकल टेस्ट।
वैसे तो इंडियन डिफेंस के लिए फिजिकल टेस्ट की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, लेकिन उनमें से कुछ मेन है, जैसे कि कैंडिडेट की हाइट, वेट और उसके आई साइज। अगर आप इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आप अपने चॉइस के हिसाब से एकेडमी में भेज दिए जाते हो। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को CDS क्या है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।